नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं एस वाई ट्यूटोरियल्स। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप किसी भी वीडियो फोल्डर को एमएक्स प्लेयर में हाइड कर सकते हैं। दोस्तों एमएक्स प्लेयर एक ऐसा एंड्रॉइड एप्लीकेशन है जो हर एंड्रॉइड फोन में या तो प्री इंस्टॉल होता है या मोस्टली यूज किया जाता है। हार्डली कोई ऐसा एंड्रॉइड फोन हो जिसमें एमएक्स प्लेयर इंस्टॉल ना हो, क्योंकि एमएक्स प्लेयर बहुत ही अच्छा वीडियो प्लेयर है वीडियो प्ले करने के लिए। तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आपने मेरा चैनल एस वाई ट्यूटोरियल्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इसे जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके रोजाना ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप किसी भी वीडियो फोल्डर को एमएक्स प्लेयर में हाइड कर सकते हैं। तो अगर आपको जिस फोल्डर को हाइड करना है, अगर आपका इंटरनल मेमोरी में है या फिर एक्स्ट्रा एसडी कार्ड जहाँ भी है उसको ओपन कर लीजिए। और जैसे मैं अभी आपको कुकिंग का एक मेरा एक फोल्डर है और मैं इसको हाइड करना चाहता हूँ, तो सिंपली आपको इस पर कुछ देर तक प्रेस करना होगा और ऊपर आप देख पा रहे हो तीन वर्टिकल टिक है या पॉइंट है आप ऐसा कह सकते हो, और वहाँ पे आपको क्लिक करना है। नीचे की तरह हाइड का एक ऑप्शन दिया है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है और ये दिखा रहा है द फॉलोइंग फोल्डर विल बी हिडन फ्रॉम द लिस्ट, और ओके पे प्रेस कर दीजिए। अभी आप देख सकते हैं कि ये फोल्डर हाइड हो चुका है। तो ऐसे आप बिल्कुल आसानी से हाइड कर सकते हैं। ओके, तो अभी तो आपने फोल्डर हाइड कर लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे अगर दोबारा आपको उसको देखना होगा तो कैसे आप इसे देख सकते हैं। अगेन आपको जहाँ जिससे भी आपने हाइड किया है वहाँ पे जाना है। जैसे मैंने एसडी कार्ड से हाइड किया था तो वहाँ पे मैं जाता हूँ और ओपन करके उसके बाद ऊपर जो तीन बिंदु हैं या फिर जो तीन पॉइंट्स हैं वहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जाना है सेटिंग में, सेटिंग के बाद आपको जाना है लिस्ट में, लिस्ट के बाद आपको जाना है फोल्डर्स में। उसके बाद यहाँ पे दिखेगा, ये देख रहे हैं आप नीचे ये वाला, यहाँ पे मैंने इस फोल्डर को अभी हाइड किया था जिसका नाम था कुकिंग, और ये यहाँ पे क्रॉस करके आ रहा है, मतलब इसको यहाँ पे आप यहाँ पे टिक करें और नीचे दिख रहा है शो का आइकन, यहाँ पे क्लिक कर दें। उसके बाद ये फोल्डर अनहाइड हो जाएगा और आप दोबारा से इसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया कुकिंग का फोल्डर। तो ये आज के लिए बस इतना ही। बड़ी आसानी से आप चाहें तो किसी भी फोल्डर को हाइड कर सकते हैं एमएक्स प्लेयर में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, और वंस अगेन आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।